This video is sponsored by KW Delhi 6. आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे. आपको लग रहा होगा गाने गाने आई है मैडम. नहीं, मैं बिल्कुल गाने गाने नहीं आई. मेरे नाम में ही गाने हैं, स्वरों में लीन, स्वर लीन हूं ना, क्या करूं. कोई भी सिचुएशन आती है, गाना तो यार आ ही जाता है, isn't it? Anyways, कैसे हैं आप सब लोग? अब मुझे लगता है कोरोना से भली भांति पहचान हो चुकी है हमारी, और हम सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, सेफ रह रहे हैं. क्या करें, नीड ऑफ द आवर है, isn't it? आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लीडरशिप पे. मैंने जब सोचा कि मैं सेल्फ लीडरशिप पे बोलूंगी, मैंने गूगल किया. अरे बाप रे, गूगल में इतने सारे आर्टिकल्स थे, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं इतनी छोटी सी बात को आप तक कैसे पहुंचाऊं. फिर मुझे एक बात याद आई, मैंने सोचा क्यों ना एक एयरक्राफ्ट की बात बताई जाए. सच में ऐसा हुआ था. आई वाज ट्रैवलिंग इन एन एयरक्राफ्ट और बड़ी जोर से आवाज आनी शुरू हो गई, और एयर हॉस्टेस ने फटाफट अनाउंसमेंट की कि जैसे ही ऑक्सीजन मास्क नीचे आएंगे, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए. भैया उस टाइम तो ऐसे लगा हालत खराब हो गई है. बट जैसे ही ऑक्सीजन मास्क आए, हमने क्विकली उनको लगा लिया. उस टाइम ये नहीं सोचा कि आसपास क्या हो रहा है, फटाफट से ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाया. ये स्टोरी क्यों सुनाई? यही तो सेल्फ लीडरशिप है. नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ. सेल्फ लीडरशिप अपने आप को लीड करने का तरीका है. दूसरों को लीड करना, समझाना, उनको फोर्स करना, उनके अंदर जागृति डालना बड़ा इजी होता है. बात तो तब बनती है जब खुद के अंदर लीडरशिप स्किल्स हो. खुद के अंदर लीडरशिप स्किल्स क्या करनी है हमें भैया? इसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी. और मैंने ये देखा है कितनी होम मेकर्स हमारे पास आती हैं ये बोलते हुए कि हमारे अंदर ना सेल्फ लीडरशिप नहीं है, हम ना किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं. तो चलो आज सेल्फ लीडरशिप के बारे में ही सीखते हैं. क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की. प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर for limited period. Go and read our project highlights. क्या है ये बला? इस बला के बिना तो काम ही नहीं बनता, क्योंकि ये खुद को जगाने की एक टेक्निक है, अपने आप से प्यार करने की, to self love, to self confidence, to being empathetic towards your own self, to being self-regulated, to being focused, to be determined. कैसे आएगा ये सब कुछ? हमें ना जीने के लिए कोई पर्पस चाहिए होता है, isn't it? जैसे किसी का पर्पस है कि मेरे बच्चों की करियर बहुत अच्छा हो, किसी का होगा कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करें, किसी का होगा मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी हो. कुछ भी, किसी का कोई भी पर्पस हो सकता है. हमारी लाइफ का पर्पस क्या है अगर उसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर हमारे अंदर वो सेल्फ लव वाली बात ही नहीं है, तो हम जब खुद को नहीं समझा पाएंगे तो दूसरों को समझाने की बात तो बहुत दूर तक रह जाती है. तो शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे से, सेल्फ से. सेल्फ ईगो पर मत लेकर जाना इसे, क्योंकि सेल्फ लीडरशिप और सेल्फ ईगो कहीं भी तालमेल नहीं खाते. ये जो स्किल है ये डेवलप की जाती है मेडिटेट करने से, खुद को टाइम देने से, अपने अंदर झांकने से,
जैसे मैंने बोला सेल्फ लव होने से खुद से प्यार होना बड़ा जरूरी है, खुद पर कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है, अपने आप से एम्पैथेटिक होना, हम्बल होना बड़ा जरूरी है, खुद को टाइम देना, सोचना कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और दूसरे को ये समझाना कि हम जो कर रहे हैं वो जब हमारा मन कह रहा है कि ठीक है, जब हमारी वैल्यूज कह रही है कि वो ठीक है, तो हाँ भाई वो ठीक है, इनफैक्ट हम तुम्हें भी इस रास्ते पर चला सकते हैं। जिसके अंदर ये सब स्किल्स जब डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, हम अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ मोटिवेशन, दूसरों को मोटिवेट करना फिर इजी होता है, सबसे मुश्किल होता है खुद को मोटिवेट करना। सीरियसली ये काम अपने आप से शुरू करना पड़ता है। अपने रूटीन को चेंज कीजिए, अपनी रूटीन्स को चेंज कीजिए, अपने अंदर वो खुशी रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा ही तो है, क्योंकि देखो आपके अंदर की इंटेंशन क्या है कि आप जो भी करो अच्छा करो, तो जब हम अच्छा कर रहे हैं उसके लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। जब हम ये सब टेक्निक्स अपनाना शुरू कर देते हैं जिंदगी में, हम एक सेल्फ लीडर बन जाते हैं, और जब हम सेल्फ लीडर बन जाते हैं तो अपने आप को गाइड करने के साथ साथ हमारे में ये ताकत भी आ जाती है कि हम दूसरों को भी गाइड कर सकें। तो फिर किस चीज की वेट हो रही है, चलिए उठिए, कल से क्यों आज से ही शुरू करते हैं। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, बी माइंडफुल, बी थॉटफुल, बी पर्पजफुल, फिर देखो कैसे सब बोले अरे वाह तुमने जो बात बोली, क्या लीड दी तुमने, क्या डायरेक्शन दी। और ये खाली किसी किसी बिजनेस वुमन के लिए, किसी वर्किंग वुमन के लिए, सिर्फ उनके लिए ही नहीं थी, ये होम मेकर्स के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है। घर की सब्जी आप बनाती हैं, नमक कितना रखना है आप जानती हैं, तो वो जो सेल्फ लीडरशिप का नमक है ना, उसका पिंच डाल दीजिए अपनी लाइफ में, अपनी नेचर में, फिर देखिए कमाल, सब लोग बोलेंगे वाह भाई वाह तुम तो छा गए। तो उस छाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, और वो भी सेल्फ लीडरशिप। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगी तो मैं डेफिनेटली ये सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होंगी कि आप लोगों ने सच में इसे अपनाया या नहीं अपनाया, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। I'm just a message away, a call away. If you want to learn more about it, you're most welcome. Till then, I see you next time. Take care, stay safe, have a great day. Bye bye. Thanks for watching this video. For further details, contact us at 8010 908888. Thank you.